संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान संसद में होने वाले हंगामे की ओर इशारा करते हुए कहा कि संसद में हो हल्ला होने की वजह से युवा सांसदों को बड़ा नुकसान होता है। वे कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन वे इससे अछूते रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सांसदों का यही बोलना है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, जिसके कारण नुकसान होता है। उम्मीद है सभी पार्टियाँ अपने सांसदों के युवा सांसदों की वेदना को समझेंगे और संसद में हंगामा बिना किए इस बार संसद सही से चलाएंगे। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से आग्रह किया कि संसद सत्र को प्रगतिशील बनाने का सामूहिक प्रयास किया जाए। इस दौरान भारत को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिलने पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की और अपना संबोधन देते हुए पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। इस प्रकार से भारत का स्थान बना है, जिस प्रकार से भारत से अपेक्षाएं बढ़ी हैं और जिस प्रकार से भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है, ऐसे समय ये G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। ये G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, लेकिन ये G20 समिट एक समग्र रूप से में भारत के सामर्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। इतना बड़ा देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी विविधताएं, इतना सामर्थ्य, पूरे विश्व को भारत को जानने का एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत को पूरे विश्व को अपना सामर्थ्य जताने का भी बहुत बड़ा अवसर है। आपको बता दें कि संसद सत्र आज यानी कि 7 दिसंबर से शुरू हो चुका है और यह 29 दिसंबर तक चलेगा। सरकार ने इससे पहले मंगलवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, जिसमें विपक्षी दलों ने महंगाई, बेरोजगारी, चीनी सीमा पर स्थिति, कॉलेजियम के विषय एवं केंद्र राज्य संबंधों जैसे मुद्दों को उठाने एवं चर्चा के लिए पर्याप्त समय मांगने की मांग की है। संसद सत्र से पहले सरकार ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें विपक्ष ने यह मांग की है। बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, दमरुक, बीजद, आप सहित 31 दलों के सदन के नेताओं ने हिस्सा लिया था। सरकार ने बैठक में आश्वस्त किया है कि वह लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की अनुमति से नियमों के तहत विपक्ष के उठाए मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है।